नमस्कार सभी साथियों को। आज प्राइम उत्सव के माध्यम से कवियों की विशेष महफिल इस नववर्ष के उपलक्ष्य में आपके समक्ष लाई गई है, जहां पर देश के बड़े बड़े मंचों के देश के प्रख्यात विख्यात कवि आज इस नववर्ष के उपलक्ष्य में आप सभी को गीत छंद के माध्यम से बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे। तो साथियों, आज इस विशेष दिवस पर इस विशेष नववर्ष की कामनाओं के साथ यह कार्यक्रम प्राइम टीवी के द्वारा जो आयोजित किया जा रहा है, इसमें हमारे बीच में जो पहले कवि के तौर पर हमारे बीच में आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं सभी कवियों का आपसे परिचय करवा दूं। हमारे बीच में देश की रक्षा में बहुत बड़ा योगदान दे रहे आदरणीय श्री कुलदीप कलश जी हमारे मध्य में हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और उन्हीं के जस्ट बगल में देश की बड़ी कवित्री एवं पेशे से शिक्षिका एवं और बहुत सारे उनके कार्य सामाजिक तौर पर हमारे बीच में आते रहते हैं, मैं श्रीमती वत्सला पांडे जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। नमस्ते सभी को और बहुत सारी नववर्ष की शुभकामनाएं प्राइम टीवी के सभी दर्शकों को मेरी ओर से। और मैं एक ऐसा नाम जो हिंदी साहित्य में जिनके परिवार ने बहुत बड़ा योगदान दे रखा है, वह उनके पौत्र हमारे बीच में हैं। मैं आदरणीय श्री चंद्रशेखर वर्मा जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। नमस्कार, प्राइम टीवी के सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो साथियों, एक छोटा सा परिचय हो गया, उसी में मैं सोमनाथ कश्यप लखनऊ से, और अब हम उस तरफ चलते हैं जहाँ पर आपको गीत गजल व कविताओं के माध्यम से इस विशेष उत्सव को हम लोग मनाएंगे। तो जो पहला नाम है, हमने आपसे जो चर्चा की थी, वो हमारे बीच में है। मैं उनके उनके पिताजी के ही दो लाइनों से उन्हें आवाज़ देता हूँ। बहुत बड़े साहित्यकार कमल किशोर भावुक जी कवि कहते हैं कहीं पर कि बांसुरी की जिंदगी से सीख ले ए जिंदगी, बांसुरी की जिंदगी से सीख ले ए जिंदगी, जख्म सीने में भले हो गुनगुनाना चाहिए। क्या बात, वाह, सीने में हो गुनगुनाना चाहिए। तो मैं आदरणीय कुलदीप भैया को आवाज देता हूं कि वो आए और अपना काव्य पाठ। स्वागत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद परम प्रिय परम आदरणीय सोमनाथ कश्यप, आपने आज प्राइम टीवी के इस बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम में आमंत्रित किया, इसके लिए विशेष आभार आपका व प्राइम टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। नववर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि हमारे काव्य कुल की परंपरा रहती है कि हम लोग अपनी वाणी का प्रारंभ जो है माँ के स्तवन से, माँ के वंदन से, अर्चन से करते हैं, तो मैं अपनी कामना, अपनी इच्छा माँ से एक वरदान के रूप में मांगता हूँ और ये कामना करता हूँ कि जो आशीर्वाद माता हमें दें वो आप सभी को भी फलीभूत हो। एक मुक्तक के माध्यम से स्वागत है कि वंदना अम्ब तेरी मैं करता रहूं, वंदना अम्ब तेरी मैं करता रहूं, मैं सृजन में निरंतर निखरता रहूं, मैं सृजन में निरंतर निखरता रहूं, आरती के दिए सा प्रकाशित रहूं, आरती के दिए सा प्रकाशित रहूं, मैं सुगंधित हवा सा बिखरता रहूं, मैं सुगंधित हवा सा बिखरता रहूं। और इसी क्रम का एक मुक्तक देखिएगा, स्वागत है कि पुण्य कर्मों का स्यंदन रुका ना रहे, पुण्य कर्मों का स्यंदन रुका ना रहे, कोई पीड़ा दबी दिल दुखा ना रहे, कोई पीड़ा दबी दिल दुखा ना रहे, कि सर पे हो ताज मेरे तमन्ना नहीं, सर पे हो ताज मेरे तमन्ना नहीं,
सांस जब भी रुके सर झुकाना रहे, सांस जब भी रुके सर झुकाना रहे। चूंकि ये कार्यक्रम सोमनाथ जी और वसला मैम ये नव वर्ष की प्रस्तावना के रूप में एक कार्यक्रम है, और जब हम नव वर्ष की प्रस्तावना उसके उसकी अगवानी की तैयारी कर रहे हैं, पुराना वर्ष जा रहा है, तो अच्छी कामनाओं के साथ हमें आत्मावलोकन करने की भी आवश्यकता है। बिल्कुल। तो एक मुक्तक देखिएगा, विसंगतियों का मुक्तक है कि हम आज 21वीं सदी का भारत खड़ा हुआ है और बहुत सारी तरक्की, बहुत सारी उन्नति हमने कर ली, बहुत सारे अर्जन किए, लेकिन कहां हम चूके। तो सोमनाथ भैया एक मुक्तक देखिएगा, और ये हमारी विडंबना है, हमें इस पर सोचने और इस पर विचारने की आवश्यकता है कि सोचिए हम कहां थे कहां आ गए, सोचिए हम कहां थे कहां आ गए, बस ख्यालों में ही हर जहां पा गए, बस ख्यालों में ही हर जहां पा गए, कि एक दूजे के दिल में न घर कर सके, एक दूजे के दिल में न घर कर सके, आप कहते हैं लो चांद पर आ गए, आप कहते हैं लो चांद पर आ गए, आप कहते हैं लो चांद पर आ गए। बहुत आभार आदरणीय वसला मैम। और एक छंद देखिएगा, और समय के क्रम में मुझे लग रहा होगा कि शायद अपने कोटे का समय आप इशारा करिएगा, आप संचालक की भूमिका में हैं, और संचालक जब भी हम कभी एक शब्द का नाम लेते हैं सोमनाथ भैया, तो हमारा हम चूंकि आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होने के नाते हमारा ध्यान उस सृष्टि के संचालक पर भी जाता है जिसके संचालन में हम सभी आप सांस लेते हैं, चलते हैं, करते हैं। मैं प्रणाम करना चाहता हूं एक छंद के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को। क्या बात है। और श्री कृष्ण को मैं आज इस कार्यक्रम में क्यों याद कर रहा हूं, कितने प्रासंगिक हैं योगेश्वर के, आज जो भी मैंने मुक्तक पढ़ा वो उसकी प्रस्तावना है, वो उसकी अगवानी है उस छंद की, कि आज सर हम लोग को जरा सभी हम ईश्वर कुछ नवाज देता है तो हम लोग धरती से आसमान में चले जाते हैं, और कृष्ण का आप चरित्र सामने रखे, उन्होंने देखें इस छंद के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि कृष्ण क्या थे और उन्होंने कैसा जीवन जिया, काश कि हम उसका 1% भी अनुकरण कर सकें। कि सर्वशक्तिमान हो के धैर्य धरने की सीख, सर्वशक्तिमान हो के धैर्य धरने की सीख, सौवे अपमान पे ही शीश काटते हैं कृष्ण, सर्वशक्तिमान हो के धैर्य धरने की सीख, सौवे अपमान पे ही शीश काटते हैं कृष्ण, और करु में सुदर्शन सा शौर्य धारते हैं किंतु, जगत में मुरली की तान बांटते हैं कृष्ण, करु में सुदर्शन सा शौर्य धारते हैं किंतु, जगत में मुरली की तान बांटते हैं कृष्ण, और मित्रता में भाव देखें देखें नहीं ऊंच नीच, मित्रता में भाव देखें, त्रिलोकी का जो स्वामी था उसका मित्र था दीनहीन सुदामा, कि मित्रता में भाव देखें देखे नहीं ऊंच नीच, राजा रंक की सदा ही खाई पाटते हैं कृष्ण, मित्रता में भाव देखें देखे नहीं ऊंच नीच, राजा रंक की सदा ही खाई पाटते हैं कृष्ण, और काल सम कालिया के फन पे जो नाचते हैं, मृत्यु से भी जीतने का ज्ञान बांटते हैं कृष्ण, काल सम कालिया के फन पे जो नाचते हैं, मृत्यु से भी जीतने का ज्ञान बांटते हैं कृष्ण। बहुत धन्यवाद, बहुत जिंदाबाद। कहाँ से शुरू हुए और हमें उस संचालक, उस परमेश्वर के द्वार तक लेके गए, उनके व्यक्तित्व से हमें परिचय कराया, ऐसे हमारे बीच में रहे श्री कुलदीप कलश जी, जिनके कविताओं से आपने आध्यात्मिक से लेकर पूरा दर्शन किया। अब मैं आपको प्रेम की तरफ लेके जाने का प्रयास करूँगा कि हमारे बीच में श्रीमती वत्सला पांडे मैम हैं, जो उनके गीत, गज़ल या कविताओं की बात करें, सब में अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के रस छलकते हैं, दिखते हैं, और हम लोग उनका महसूस भी करते हैं। तो एक किसी बड़े शहर की दो लाइन मुझे याद आ रही है,
अब मैं चाह रहा हूँ उस तरफ तो सौंदर्य की तरफ भी ले चलूं कि चांद से बढ़कर एड़ी है, कि चांद से बढ़कर एड़ी है, रुखसार का आलम क्या होगा। हमारे हमारे बीच में हमारे मैम है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बेहद शुक्रिया सोमनाथ जी और प्राइम टीवी के सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमें नव वर्ष पर सुन रहे हैं। तो मेरी सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबके लिए हैं, आपका ये वर्ष मंगलमय हो और जो हमने पुरानी जितनी भी असफलताएं हैं उनको हम भूल जाएं और सफलताओं के लिए अग्रसर रहें। तो मैं एक छोटी सी कविता आप सब तक प्रेषित करती हूँ, सुनिएगा कि जाने दो बीती बातों को जाने दो, जाने दो बीती बातों को जाने दो और खुशियों के कुछ बीज रोप दो मन की माटी में। वाह वाह वाह। खुशियों के कुछ बीज रोप दो मन की माटी में। नव अंकुर को घर आंगन में फिर लहराने दो। वाह वाह वाह, सुंदर। वाह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कि बिखरे रिश्तों के तिनके, बिखरे रिश्तों के तिनके ढूंढो पूरे मन से और उन तिनकों को जोड़ जोड़ कर नीड बनाने दो। वाह वाह, क्या मंगल कामना है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। जाने दो बीती बातों को, जाने दो कि द्वेष जलन ईर्ष्या भावों को, द्वेष जलन ईर्ष्या भावों को चूर चूर कर डालो जी। द्वेष जलन ईर्ष्या भावों को चूर चूर कर डालो और उस चूरे को नेह नदी में फिर बह जाने दो। वाह वाह, जाने दो। बहुत बहुत प्यारा, बहुत कोमल, बहुत कोमल। जाने दो बीती बातों को, जाने दो जब फैले दुख का अंधियारा, जब फैले दुख का अंधियारा दूजों के जीवन में, जब फैले दुख का अंधियारा दूजों के जीवन में, तेज रोशनी हर्ष दीप की हमें जलाने दो। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अंतिम बंद इस कविता का आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा कि कुछ अमलतास कुछ गुलमोहर, वाह कुछ अमलतास कुछ गुलमोहर कुछ रजनीगंधा भी। क्या प्यारा, कुछ अमलतास कुछ गुलमोहर कुछ रजनीगंधा भी, रंग बिरंगे फूलों से अब धरा सजाने दो। वाह वाह, बहुत सुंदर। बीती बातों को जाने दो, बहुत प्यारा, जाने दो बीती बातों को, जाने दो। ऐसी ढेर सारी शुभकामनाएं प्राइम टीवी के सारे दर्शकों, बहुत सुंदर कविता। आपके जीवन से दुख निराशा अवसाद के पल मिट जाएं, आप जब हमारी कविताएं सुने तो नई ऊर्जा से भर जाएं और नववर्ष में हर दिन आप प्रगति पथ पर अग्रसर रहे। एक और गीत आप सबके बीच में जी जी, स्वागत ये स्वागत। आत्म सम्मान का गीत है, आत्मविश्वास का गीत है, आत्म बल का गीत है। स्वागत सुनिएगा। स्वागत स्वागत। और मैं चाहती हूँ कि हम सबके मन में ये गीत होना चाहिए कि हम उजालों की बातें करेंगे, हम उजालों की बातें करेंगे, नेक नामी से दामन भरेंगे। वाह बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। उजालों की बातें करेंगे, नेक नामी से दामन भरेंगे, भरेंगे बंद करके, बंद करके बुराई की पुस्तक। वाह वाह, बंद करके बुराई की पुस्तक, रोशनी की कहानी। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह वाह, उजालों की बातें करेंगे कि साथ साथी नहीं तो हुआ क्या, साथ साथी नहीं तो हुआ क्या, नेकियों के ही रास्ते चलेंगे, पंथ दुर्गम मिले तो है क्या गम, पंथ दुर्गम मिले तो है क्या गम, चाटुकारों से हम ना बने। वाह वाह वाह, कितना बड़ा संदेश है, बहुत बढ़िया। बंद करें
पुस्तक रोशनी की कहानी गढ़ेंगे, कि गर्व धन पर यहाँ जो है करते, गर्व धन पर यहाँ जो है करते, रोब कुर्सी का सब पर दिखाते, दर्प का दम निकलता है हरदम, दर्प का दम निकलता है हरदम, दर्पणों में वो टूटे दिखेंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह। बंद करके बुराई की पुस्तक रोशनी की कहानी गढ़ेंगे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अंतिम बंद सौंपती हूँ। स्वागत स्वागत। और मुझे लगता है कि ये हम सबका ध्येय बंद होना चाहिए। सुनिए, बहुत बहुत प्यारा गीत है मैम आपका। कि सच के सूरज से जब हो सवेरा, रात्रि में भी ना हो तब अंधेरा। आहा, क्या बात है। कि सच के सूरज से जब हो सवेरा, रात्रि में भी ना हो तब अंधेरा। क्या बात है। पूर्णिमा के उजालों में हम सब, पूर्णिमा के उजालों में हम सब एक सृष्टि नई सी रचेंगे। वाह 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 वाह, क्या बात। बंद करके बुराई की पुस्तक रोशनी की कहानी गढ़ेंगे। बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार सोमनाथ, आपने इस कार्यक्रम में हमें आमंत्रित किया और बहुत शानदार संचालन आप कर रहे हैं। और मैं आपको आमंत्रित करना चाहती हूँ अगले क्रम में। चार मिसरे मैं निदा साहब के पढ़ना चाहूँगी। कि दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, दरिया या पहाड़ हो टकराना चाहिए, और जब तक न टूटे सांस जिए जाना चाहिए। और यूं तो कदम कदम पे है दीवार सामने, और कोई ना हो तो खुद से उलझ जाना। वाह, क्या तो क्या भूमिका है। अब अगले क्रम में मैं सोमनाथ जी को आमंत्रित करती हूँ। पेशे से सोमनाथ जी एक समाज सेवी हैं और ये छोटे बच्चों के लिए काम करते हैं। अपनी संस्था के माध्यम से जो स्लम एरिया के बच्चे हैं उनको पढ़ाते हैं, दिहाड़ी किचन चलाते हैं, बहुत बड़ा काम करते हैं ये। हमारे बीच में आयु में ये सबसे छोटे हैं, लेकिन इनके कामों के कारण ये बहुत बड़ा कद रखते हैं। तो मैं स्वागत करती हूँ सोमनाथ कश्यप जी का। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने मुझे आदेश दिया। और जितने भी प्राइम टीवी के दर्शक हैं उन्हें नववर्ष की पुनः बहुत सारी बधाई शुभकामनाएं। इसी के साथ एक मुक्तक पढ़ना चाहता है कि नए वर्ष में आप क्या लक्ष्य निर्धारित करें और किस मार्ग पर आप प्रशस्त हों, तो उस पर एक छोटा सा मुक्तक है, फिर एक छोटा सा गीत पढ़ता हूँ, सुनिएगा। स्वागत। कि सत्य सिद्धांत पर जब अटल हो गए, आप कैसे सफल हो सकते हैं, इस नए वर्ष में आपसे संकल्प के साथ लीजिएगा। कि सत्य सिद्धांत पर जब अटल हो गए, कुछ स्वजन तब विरोधी प्रबल हो गए। सत्य सिद्धांत पर जब अटल हो गए, कुछ स्वजन तब विरोधी प्रबल हो गए। नम्रता किंतु फिर भी न छोड़ी कभी, नम्रता किंतु फिर भी न छोड़ी कभी। निज अहम त्याग कर हम सफल हो गए, निज अहम त्याग कर हम सफल हो गए। तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आपको जीवन में सफल होना है तो सबसे पहले अपने मैं को, अहंकार को त्यागिए, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सुंदर। और एक गीत है जो मैंने पिछले वर्ष इसका संकल्प लिया था और इसी वर्ष, अब पिछला वर्ष गया ही चला गया है तो इसमें संपूर्ण भी कर लिया, तो वही गीत है, मैं पढ़ता हूँ, निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। कि प्रेम हमारा वही पुराना, नए वर्ष की तुम्हें बधाई। क्या बात है, बहुत बढ़िया। प्रेम हमारा वही पुराना, नए वर्ष की तुम्हें बधाई।
नए वर्ष की तुम्हें बधाई। क्या क्या रहा मेरा पिछला वर्ष, अब कहता हूँ कि भले अंधेरी रात रही हो, आशाओं के दीप जलेंगे। क्या बात है, क्या भले अंधेरी रात रही हो, आशाओं के दीप जलेंगे। पतझड़ अपना बीत गया है, पतझड़ अपना बीत गया है, मधुबन में अब फूल खिलेंगे, मधुबन में अब फूल खिलेंगे। मन का चितवन वही पुरातन, मन का चितवन वही पुरातन, नव्य भाव की करे दिखाई। प्रेम हमारा वही पुराना, नए वर्ष की तुम्हें बधाई, नए वर्ष की तुम्हें बधाई। और इस गीत का दूसरा बंद प्रेषित करता हूँ, सुनिएगा। प्रथम रात की नींद नहीं हो, आज एक तारीख है कि प्रथम रात की नींद नहीं हो, भोर हमारी कोयल गाए। वाह, प्रथम रात की नींद नहीं, ओ भोर हमारी कोयल गाए। गीत हमारे इंद्रधनुष हो, गीत हमारे इंद्रधनुष हो, खुशियों के वो रंग सजाए, खुशियों के वो रंग सजाए। ओस गिरे अंबर से झरझर, ओस गिरे अंबर से झरझर, नवल वर्ष की करे सिंचाई। क्या बात है, वाह क्या बिंब है भैया, हमारा क्या बिंब है, वाह पुराना नए वर्ष की तुम्हें बधाई। और इस गीत का अंतिम मंत्र जो मैंने संकल्प लिया था अपने जीवन में, इस पुराने वर्ष में उसको मैंने संपूर्ण किया, तब मैं प्रेषित करता हूँ, सुनिएगा जी। पिछले वादे लेकर हम तुम इसी वर्ष में पूर्ण करेंगे। क्या बात कर लिया है, तब कहता हूँ कि पिछले वादे लेकर हम तुम इसी वर्ष में पूर्ण करेंगे। मांग तुम्हारी शेष पड़ी जो, मांग तुम्हारी शेष पड़ी जो, इसमें हम सिंदूर भरेंगे, इसमें हम सिंदूर भरेंगे। बहुत बधाई, व्योम हमारे मंत्र पढ़ेंगे, व्योम हमारे मंत्र पढ़ेंगे, धरा सजाएंगे कुड़माई, धरा सजाएंगे कुड़माई। प्रेम हमारा वही पुराना, नए वर्ष की तुम्हें बधाई, नए वर्ष की तुम्हें बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत 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 धन्यवाद। और अब हम उस क्रम में आते हैं, उस श्रेष्ठा की ओर आते हैं जो हमारे इस आज इस कार्यक्रम के जो हमारे शिखर पुरुष हैं, हम उनके मध्य में आते हैं। एक बहुत बड़े हमारे देश के कवि हुए, गीतकार हुए, साहित्यकार हुए, कुंवर बेचैन जी कहीं कहते हैं कि मैं कई बड़े लोगों की निचाई से वाकिफ हूँ। एक ऐसा व्यक्तित्व जो ऐसे समृद्ध परिवार से आता है और स्वयं में इतने बड़े साहित्यकार हैं, शायर हैं अच्छे, लेकिन इनकी विनम्रता को देखकर मैं ये पंक्तियां उन्हें प्रेषित करता हूँ, इसी माध्यम से उन्हें बुलाता हूँ आदरणीय चंद्रशेखर वर्मा जी को, कि मैं कई बड़े लोगों की निचाई से वाकिफ हूँ। मेरा स्वयं का अनुभव है कि मैं कई बड़े लोगों की निचाई से वाकिफ हूँ। बहुत मुश्किल है दुनिया में बड़े होके बड़ा होना, तो इस बड़े के विराट व्यक्तित्व के धनी आदरणीय चंद्रशेखर वर्मा जी को मैं आवाज देता हूँ कि आए और अपना काम प्रारंभ। सबसे पहले तो प्राइम टीवी के जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनका बहुत बहुत आभार कि वो अपना समय हमें दे रहे हैं, और इस नए वर्ष में मेरी कामना यही है कि हम बीमारियों से बचे रहें, युद्ध से बचे रहें, किसी भी प्रकार का कोई कठिनाई, किसी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। ये मेरी शुभकामनाएं आप सबके लिए भी और हमारे दर्शकों के लिए भी। बिल्कुल, तो मैं अपनी शुरुआत, अपने कलाम की शुरुआत दो मिसरों से करता हूं। स्वागत कि लाख टके की बात तराजू मुफ्त हमें समझाता है। अच्छा, लाख टके की बात तराजू मुफ्त हमें समझाता है, जो पलड़ा भारी होता है वो खुद ही झुक जाता है। वाह वाह वाह, क्या बात है सर, क्या बात, नया बिंब है और अभी तक फलदार वृक्षों के लिए सुना गया है। लाख टके की बात तराजू मुफ्त हमें समझाता है, जो पलड़ा भारी होता है वो खुद ही झुक जाता है। क्या बात है। और आज कुछ मैं दोहे
सुनाता हूँ। स्वागत स्वागत है। दोहों के माध्यम से बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। बिल्कुल। तो मेरा छोटा सा प्रयास है कि फूलों से रिश्ता रहे, कांटों से संबंध। क्या बात है। फूलों से रिश्ता रहे, कांटों से संबंध, डाली बनकर कीजिए दोनों से अनुबंध। हाय हाय, वाह 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 वाह। कि फूलों से रिश्ता रहे, कांटों से संबंध, डाली बनकर कीजिए दोनों से अनुबंध। क्या बात। और लहरों से करती रही जो अच्छा व्यवहार। लहरों से करती रही जो अच्छा व्यवहार, वो ही नौका कर सकी भवसागर को पार। क्या बात है सर, वाह 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 वाह। संतुलन और सामंजस्य की आपने बहुत बेहतरीन दोहे आपने सुनाए। की लहरों से करती रही जो अच्छा व्यवहार, वो ही नौका कर सकी भवसागर को पार। क्या बात है। और एक और सूक्ति देखें कि सीमित करके देखिए बाहर का संसार। जी, जी। सीमित करके देखिए बाहर का संसार, संभव होता है तभी अंतर का विस्तार। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। सीमित करके देखिए बाहर का संसार, संभव होता है तभी अंतर का विस्तार। और एक और दोहा देखें कि पिंजरे में पंछी रहे, तन में है इंसान। पिंजरे में पंछी रहे, तन में है इंसान, अपनी अपनी कैद से दोनों है हैरान। कि पिंजरे में पंछी रहे, तन में है इंसान, अपनी अपनी कैद से दोनों है हैरान। और गीली मिट्टी की तरह रखिए अपनी सोच। गीली मिट्टी की तरह रखिए अपनी सोच, पांव लचीला हो अगर कभी ना आए मोच। वाह वाह, क्या बात है सर, वाह वाह। गीली मिट्टी की तरह रखिए अपनी सोच, पांव लचीला हो अगर कभी ना आए मोच। और इतनी जल्दी क्यों भला जाने की उस पार। क्या बात है। इतनी जल्दी क्यों भला जाने की उस पार, थोड़ी धीमी कीजिए कश्ती की रफ्तार। बहुत प्यारा, वाह वाह सर, वाह। थोड़ी धीमी कीजिए कश्ती की रफ्तार रफ्तार। और एक गजल के कुछ शेर कह के मैं इरशाद इरशाद मीडिया हाउस में बैठा हुआ हूँ, गजल को कहने की हिम्मत कर रहा हूँ कि अखबारों में थोड़ी उछाला जाता है। अच्छा। अखबारों में थोड़ी उछाला जाता है, नेकी को दरिया में डाला जाता है। वाह वाह वाह। अखबारों में थोड़ी उछाला जाता है, नेकी को दरिया में डाला जाता है। और बात कभी कड़वी भी कहनी पड़ती है। जी। बात कभी कड़वी भी कहनी पड़ती है, ऐसे में लहजे को संभाला जाता है। वाह वाह, अरे वाह सर, क्या बात है सर। बात कभी कड़वी भी कहनी पड़ती है, ऐसे में लहजे को संभाला जाता है। और अपने तन में आग लगाता है सूरज। अपने तन में आग लगाता है सूरज, तब दुनिया के पास उजाला जाता है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने तन में आग लगाता है सूरज, तब दुनिया के पास उजाला जाता है। और दो मुल्कों में होने वाली जंगों को, दो मुल्कों में होने वाली जंगों को जंग की धमकी देकर टाला जाता है। दो मुल्कों में होने वाली जंगों को जंग की धमकी देकर टाला जाता है। और पहले मुखौटा बन जाता है इंसान जी, पहले मुखौटा बन जाता है इंसान का, बाद में फिर चेहरे को ढाला जाता है। बहुत प्यारा, मुखौटा बन जाता है इंसान का, बाद में फिर चेहरे को ढाला जाता है। और ये शेर देखें कि शोहरत के दर की चौखट कुछ नीची है। अच्छा। शोहरत के दर की चौखट कुछ नीची है,
अंदर केवल झुकने वाला जाता है। चौखट कुछ नीची है, अंदर केवल झुकने वाला जाता है। अंतिम शेर की पांव से जब कांटे का निकलना मुश्किल हो, पांव से जब कांटे का निकलना मुश्किल हो, तब कांटे से पांव निकाला जाता है। वाह 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 वाह। पांव से जब कांटे का निकलना मुश्किल, बहुत खूबसूरत गजल, तब कांटे से पांव निकाला जाता है, अखबारों में थोड़ी उछाला जाता है, नेकी कर दरिया में डाला जाता है। बहुत खूबसूरत सर, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत शानदार, बहुत बहुत आभार, बहुत शानदार, जानदार शेर कहे इन्होंने, दोहे कहे, ऐसे ही गोपाल दास नीरज नहीं कहे गए कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काब, माना होना भाग्य है कभी होना सौभाग्य। तो इस सौभाग्यता को ग्रहण करते हुए हम चारों लोग आप सभी को नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। आप जहां भी रहें खुश रहें, खुशहाल रहें, अपने समाज को, आसपास को बहुत सहायता करते रहिए, मदद करते रहिए, लोग जो जरूरतमंद हो उन्हीं के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का नववर्ष की असीम शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।